ओडिशा सुंदरगढ़ जिला के राजगांवपुर शहर अंतर्गत वार्ड नंबर 5 में विगत 2 वर्ष पहले ही एक 50 लाख की लागत से कल्याण मंडप का निर्माण हुआ था, जिसमें उद्घाटन के ठीक 2 साल बाद ही जगह जगह पर दरार आ जाना और अभी तक शौचालय निर्माण एवं पानी का बोरिंग नहीं होना और इसकी 4 दीवारी ना कराना, इस पूरे सरकारी कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान खड़ी हो रही है। जबकि इस कल्याण मंडप में 10 एयर कंडीशनर लगाई गई है और एक 10 लाख का जनरेटर भी लगाया गया है। सरकारी पैसा दरिया में डाल, ये मुहावरा चरितार्थ हो रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी के पूर्व विधायक मंगला किसान के द्वारा इस कल्याण मंडप का उद्घाटन हुआ था, लेकिन इस कल्याण मंडप में आज तक किसी प्रकार की शादी भी नहीं हुई और न ही किसी तरह का कोई पार्टी और फंक्शन हुआ। जबकि कोरोना महामारी को लेकर हर कल्याण मंडप एवं सरकारी जगहों को कोविड-19 के पेशेंट के लिए पर्याप्त की गई है, लेकिन ये कल्याण मंडप जो कि 50 लाख की लागत लगाने के बाद भी किसी तरह का कोई यूज नहीं लिया जा रहा और इसके समक्ष पूरे शहर का कचरा भंडार किया जा रहा है। ये सरकारी कार्य प्रणाली पर अनेक तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर इसका शुद्ध कौन लेगा, जिसका जवाब शहरवासी ढूंढ रहे हैं। अब देखना ये है कि कब इसका शुद्ध सरकारी उच्च अधिकारी लेते हैं। मैं तो जब थी तो कल्याण मंडप बनाए, मगर बार बार कंप्लेन कर रहे थे, कोई सुनवाई नहीं हुआ। अभी फट रहा है, मैं क्या कर सकते हैं। हाँ है जी वो सब कथा है जी वो बोल के यही बात बोले और बने नहीं। और मैं तो अभी वार्ड नंबर नहीं हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। इसमें कुछ नहीं है, ना लेटरिंग है, ना बाथरूम है, ना पानी की टंकी है, कुछ नहीं है। ये सब म्युनिसिपैलिटी का है, म्युनिसिपैलिटी सब म्युनिसिपैलिटी का गलती है। हाँ सब म्युनिसिपैलिटी का गलती है। मैं तो बोली कि लेटरिंग बाथरूम बना दीजिए, अच्छा से घेराव दे दीजिए, बाउंड्री दीजिए, ये कुछ सुने ही नहीं। ये कल्याण मंडप जब पिछला 2 साल पहले जब बना हुआ था, तभी ठेकेदार जो बना रहे थे, इस टाइम में मतलब इतना घटिया स्तर में काम हो रहा था, बार बार म्युनिसिपैलिटी अधिकारी को बार बार कंप्लेन भी किया गया, फिर भी इसको कोई सुनवाई नहीं हुआ। और आप देख सकेंगे इसमें इतना घटिया स्तर में काम हुआ है, 2 साल हुआ है, उद्घाटन हुआ है, लेकिन अभी तक एक भी प्रोग्राम अभी स्टार्ट नहीं हुआ। लेकिन मतलब ये जो कल्याण मंडप मतलब टूटने का परिस्थिति में है, फाउंडेशन इसका क्रैक कर रहा है। अभी जो माइनर क्रैक हुआ है, हम लोग इसको एस्टिमेट बनाए हैं, इसको हम लोग रिपेयरिंग। सर इस तरह का ठेकेदार सर काम कर रहे हैं और माइनर क्रैक हो रहा है, उस पर आप फिर भी एस्टिमेट करके उस पर काम कर रहे हैं, उस पर कोई ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई ना करके एस्टिमेट कर दे रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है सर? आपको पता है ये बहुत पुराना काम है, 4-5 साल का काम है, अभी बहुत पुराना काम है, अभी इंजीनियर को भेजा। 2019 में बना है सर, अभी तो एस्टिमेट हो रहा है। मैं जो बोला बाउंड्री वॉल, जो लॉजिस्टिक सपोर्ट बाउंड्री वॉल, जो जिसका काम नहीं हुआ है, जिसका काम नहीं, बाउंड्री वॉल, वाटर सप्लाई और क्रैक ऊपर हम लोग फाइल देखेंगे। ये होगा तो कोई कॉन्ट्रैक्टर का गलती होगा तो हम लोग EMD। संवाददाता राम प्रवेश चौधरी, VSRS न्यूज़, ओडिशा।